हेलो फ्रेंड्स कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान आइए फ्रेंड्स आज हम देखते हैं सी जी पी एस बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल साबित होने वाले हैं तो देखते हैं इन सभी प्रश्नों को तो सबसे पहले इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो आप कवर करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यू की बात कर रही है उसका जीवन काल लाइफ स्पान कितना होता है तो डब्ल्यू आर जब पूछा जाए आर जब पूछा जाए तो 120 डेज होता है तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है यहां डब्ल्यू पूछा है आरबीसी होता तो हम 120 डेज करते वन थर्टी डेज नहीं है नाइन्टी डेज भी नहीं है दस से तेरह दिन कुछ सोर्सेस में दो से चार दिन लिखा होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन विवादित ना हो इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ ये जनरली जो होता है कि दो से चार दिन कुछ केस में दस दिन दस से बारह दिन आसपास होता है तो आप सबसे ये कम डेज वाले ऑप्शंस को ले सकते हैं ये ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है और उत्तर भी इसी को लिया गया था दैट्स वाई इसे मैंने शामिल किया है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सेकेंड क्वेश्चन देखिए पपीते में पीले रंग का कारण क्या है अगर आप एग्जाम उठा के देखेंगे पेपर्स उठा के देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पीएससी व्यापक में कुछ फ्रूट से संबंधित वो लाइक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहां पे दिया है करीका पपेया यानी कि पपाया को तो यहां पे इसका कारण क्या है ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको ये नाम लर्न करना जरूरी होगा क्योंकि बार बार यहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस लेता है तो देखते हैं मैं आपको कुछ बातें बता देता जैसे कैप्सेसिन ये जो जो मिर्च का होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है लाइकोपिन लाइकोपिन क्या है टमाटर जो एकदम चटक लाल कलर दिखता है ना वो एक्चुअली में लाइकोपिन के कारण है कैरिकोजेंथिल यस दिस इज द दैरिटेनॉइट और ये कैरिकोजेंथिल जो है ये इसका आंसर है पपीते का जो पीला रंग या नारंगी रंग भी आप कह सकते हैं तो ये उसके कारण होता है कैरोटीन जो है ये क्या है बेसिकली एक प्रोटीन ही है पिगमेंट ही है कह सकते हैं जो बेसिकली जो जो गाय का दूध होता है हल्का पीला रंग जो दिखता है वो कैरोटीन के कारण होता है लेकिन पपीते का पीला रंग याद रखेंगे कैरिको जैनथिल के कारण होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो देखिए यहाँ पे कुछ और बातें आभासी फल या फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट किसे कहते हैं यहाँ पे देखिए पहला है अमरूद या सीडियम गुवावा हम कहते हैं ठीक है दूसरा है केला या बनाना ठीक है एंड देन थर्ड वन द मैंगी फेरा आम है फिर टोमेटो है यहाँ पे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे बता देते फ्रूट्स को कैसे पहचानना है कोई भी अच्छा जो ट्रू फ्रूट होता है जो सत्य फल होता है और एक होता है आभासी फल या फॉल्स फ्रूट जिसे हम कहते हैं जो ओवेरी से जिसका निर्माण हुआ होता है उसे हम कहते हैं जो है सत्य फल कहते हैं और अगर जिसका ओवेरी को छोड़ के उसके आसपास जो है पेटल्स सेपल्स या दूसरे पार्ट से अपार्ट फ्रॉम दैट ओवेरी तो ओवेरी को छोड़ के बाकी चीज़ों से यदि किसी का निर्माण होता है फ्रूट्स का तो उसे हम कहते हैं लाइक फाल्स फ्रूट कहते हैं दूसरा पहचान ये बता सकते हैं कि ये जो फाल्स फ्रूट होते हैं इसके अंदर बीज नहीं पाए जाते तो आप अप्लाई करके देखिए वहीं कहीं पे हो रहा है क्या भाई हमको तो पता है कि जो है इसमें जो होता है क्या होता है लाइट अमरूद या गुआवा में तो सीड होता है आप सभी को पता होगा खाते समय ये आता ही है हालांकि जो बड़े वाले जो फ्रूट आजकल जो अब लाइक गुआवा दिख रहा है वो अलग है वो अनिशिक जनन के द्वारा जो है बनाया गया जो है गुआवा है तो यहाँ पे अमरूद में जो होता है बीज होता है तो ये तो नहीं हो सकता केला में बीज होता है क्या नहीं होता दैट मीन्स यही आंसर होना चाहिए आम में होता है टमाटर में भी होता है तो यहां पे इस बात को ध्यान देना है ये फॉल्स फ्रूट हम पहचान ही इसी के बेस पे ठीक है ठीक है यहां पे इसका ऑप्शन है अभी बनाना या केला उसके बाद देखिए फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है मीठे फलों का कारण जो है याद रखेंगे ऐसे माल्टोज फ्रक्टोज लैक्टोज राइबोज वगैरह है जो है डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पॉलीसेकेराइड डाइसेकराइड मोनोसेकराइड वगैरह तो फ्रुक्टोज को या फ्रक्टोज को याद रखना ये जो है फलों के मीठे रंग का जो है प्रमुख कारण है ठीक है इसके बाद देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए जनरली uh, हम देखते क्या है कि uh, जो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल ए बी टाइप का जो पाया जाता है जो बेसिकली हरे रंग के कारण का रिस्पॉन्सिबल uh, होता है वो ठीक है हरे रंग के कारण के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन यहां पे पूछा है कौन सा अधिक प्रभावकारी है तो मुख्यतः जो होता है तीन कलर ज्यादा प्रभावकारी मतलब तीन कलर जनरली ऑप्शंस में दिया जाता है हम कह सकते हैं अधिक क्या है उसे भी देख लेंगे तो देखिए आप याद रखेंगे ग्रीन तो क्लोरोफिल के कारण ही खुद कलर जो हरा होता है तो अब उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहां से तो बचा जो है ब्लू उसके बाद देखते हैं रेड और उसके बाद देखते हैं वॉयलेट या बैंगनी तो याद रखिएगा रेड कलर में सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है और वायलेट कलर में सबसे कम होता है तो इसका आंसर याद रखेंगे है ना बेसिकली ये तीन मुख्य कलर को ये क्या होता है एब्सॉर्व करता है तो यहां पे रेड सबसे ज्यादा करता है और वायलेट सबसे कम करता है ठीक है इस बात को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सबसे अधिक प्रभावकारी डी रेड जो है सी रेड कलर का हो जाएगा देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है इनमें से किसे सहायक आहार कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सपोर्टिव डाइट ठीक है तो याद रखेंगे मैं डाइजेस्टिव uh, सिस्टम पढ़ाते समय ये बताया था आप लोगों को कि तीन मुख्य जो होते हैं कंटेंट अवेलेबल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी के लिए बाकी चीजें होती हैं वो सहायक या सपोर्टिव होती है तो सबसे पहले देखिए आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किसे मिलेगी अगर पूछा जाए तो फैट को याद रखेंगे सेकेंड में किसको पूछा जाएगा सेकेंड में अगर पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट और का, प्रोटीन जो होता है दैट इज द दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर ऑफ अवर बॉडी शरीर का निर्माता इसे कहा जाता है तो किसे सहायक आहार तो मुख्यतः प्रोटीन प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट तो बचा क्या है सपोर्टिव वाला विटामिन है विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में ही अवेलेबल है डिफरेंट टाइप के विटामिन में कौन कौन से उसके कमी से होने वाले रोग तो वो चैप्टर जरूर आप रिवाइज करके जाएंगे ठीक है बहुत हेल्पफुल है ये टॉपिक क्योंकि याद रखेंगे अब सहायक आहार में क्या हो जाता है विटामिन के होते हैं भी बताया था मैं ट्रिक बताया था कि आप क्या लिखेंगे ए बी सी डी ई ठीक ठीक है है इस टाइप से लिख लिख दें और के लें है? तो अब फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में ले जाए तो ये क्या क्या बन जाएगा डी ई के बन गया ठीक है और यहाँ पे बचा क्या है बी सी का एक जोड़ी बच गया तो बी सी जो होता है ये क्या होते हैं जल में भी ले या वसा में भी ले कैसे पहचानेंगे विटामिन सी नींबू पानी है ना नींबू पानी में विटामिन नींबू रस को जैसे जस, जैसे मतलब पानी में आप घूलते हैं तो घुल जाता है और हमको पता है कि नींबू में क्या होता है विटामिन सी होता है तो आसानी से हम इस कपल को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाला है ये जल में विले होगा वाटर सोल्यूबल है और ये क्या है फैट सोल्यूबल है ये वसा में विले वाला है ठीक है तो इस प्रकार यहाँ याद रख सकते हैं ये क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को क्लियर हो, हो गया होगा इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बौने पौधों को लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक है ठीक है ये आपके ऑप्शन है तो ऑप्शन सबसे पहले यहां पर क्या क्या है एथिलीन इंसुलिन तो यहां पर अगर देखें चारों ऑप्शन में कुछ बातें समझ में आ रही होगी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंसुलिन तो ये क्या होता है एनिमल वाला जो है बेसिकली हार्मोन है तो यहां तो ये ऐसे ही एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि हम पौधों की बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर तीन जो आपको मिलते हैं पे एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस फॉर्म में रहता है ठीक है गैस फॉर्म में होता फलों को पकाने के लिए भी क्या इसी एथिलीन का प्रयोग करते हैं उसके बाद देखते क्या है जो है जिवरेली तो फ्रेंड्स आपको याद दे, बता देते हैं इस बात को कि एक्चुअल में देखा जाए दोनों ही क्या होते हैं पौध, पौधों को लंबा करने के लिए सहायक होते हैं आप यहां पे मैं अगर नो तो बी एंड सी इसका आंसर लिया जाना चाहिए लेकिन गिवन ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना होगा तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा ठीक है लेकिन आपको याद रखना जिब्रेलिन भी बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है और साइटोकिनिन भी होता है क्योंकि कोशिका विभाजन में सेल डिविजन में हेल्प करता है है ना तो आप यहां पे अकॉर्डिंगली ऑप्शन ले सकते हैं बी और सी दोनों ही यहां पे लिया जा सकता है इस केस में ठीक है और अगर हम लाइक एस के हिसाब से चले राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के हिसाब से चले तो यहां पे जिब्रलिन आंसर लिया जाना चाहिए और इन जनरली अगर देखा जाए तो दोनों हम ऑप्शन ले सकते हैं क्लियर हुआ इसके बाद देखिए निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है फैट से ठीक है उसके बाद किससे कार्बोहाइड्रेट से उसके बाद क्या दिखते हैं बाकी चीजें आ जाएंगी प्रोटीन वगैरह जो बॉडी बिल्डर वगैरह आता है ठीक है तो यहां पे देखते हैं कि हम तीन जो मुख्य चीजों को हम पहचान रहे हैं ठीक है मुख्य जो तत्व है उनको तो ये तो है बॉडी बिल्डर हो गया ठीक है जो लाइक मसल्स बनाने में जो है बेसिकली ज्यादा प्रयोग होता है है ना अब बचा है कि अगर इसका जो है एक ग्राम से सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है तो याद रखना फैट से होती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा और अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये फोर पॉइंट टू बयालीस तरान में याद रख लेना ठीक है फोर पॉइंट टू किलो कैलोरी ये क्या होती है एनर्जी जो है एक ग्राम के ऑक्सीकरण से या एक ग्राम को जो है खपाने से आपको प्राप्त होती है ठीक है अब यहां पे देखते क्या है क्या क्या ऑप्शन हैं प्रोटीन ग्लूकोज सुक्रोज और फैट तो फैट आ गया तो ऑप्शन डी ही सही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तो सही आंसर हो ही गया अब बसते देखिए इन दोनों को पहचानिए ये दोनों क्या है ये आपका सुक्रोज जो है डाई सेकराइड है और ग्लूकोज जो है है और प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डर ऑफ अवर बॉडी है तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर तो यहाँ पे देखिए एक काफी इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पीएससी में बड़े पूछे जाने वाले थोड़ा लेंदी लेंदी टाइप के दिखने वाले ऑप्शंस या थोड़ा सा मैच करने वाले ऑप्शंस तो देखिए विच वन इज द करेक्टली मैच्ड सही सुमेलित है विटामिन ए थायमिन विटामिन बी रेटिना और विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड विटामिन डी टोकोफेरॉल आप लोग बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए विटामिन डी विटामिन डी की कमी से क्या होता है सूखा रोग या रिकेट्स होता है या फिर हम कहते हैं बड़ों में उसे ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं तो क्या होता है हड्डियां थोड़ी भंगूर हो जाती हैं तो कैल्शियम आपको पता है कैल्शियम भी बॉडी है जो बोन के लाइक स्ट्रांग करने के लिए जरूरी होता है तो इसलिए विटामिन डी को क्या नाम कहा जाता है कैल्सी कहा जाता है कैलसी फेरॉल कहा जाता है तो यहाँ तो डी ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया ठीक है तो डी गलत हो गया उसके बाद देखते हैं ऊपर से देख लेते हैं विटामिन ए विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन बी को जो है आप देखते हैं थायमिन कहा जाता है हालांकि बी कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सेवन बी सिक्स वगैरह बहुत सारे हैं ठीक है लेकिन याद रखना यहाँ पे हम इसे थायमिन ले सकते हैं और तो ये ये और दोनों गलत हो गया करेक्टली करेक्टलीमेज नहीं है विटामिन सी है ना यहाँ पे एस्कार एसिड है सिट्रिक एसिड भी होता तो टिक कर सकते थे एसकारबिक एसिड भी हम टिक कर सकते हैं सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दसवा क्वेश्चन है, नवजात शिशु में नवजात शिशु में क्या है लगभग कितनी अस्थियां होती हैं कितने बोन्स होते हैं ये पूछा है न्यू बॉर्न बेबी में ठीक है तो याद रखना हमारे बॉडी में 206 सौ हड्डियां पाई जाती हैं लेकिन जब नवजात शिशु की न्यू बॉर्न बेबी की बात करेंगे तो हम कहा कितना करेंगे यहां पे 300 करेंगे बाद में हड्डियां जुड़ जाएंगी उनकी संख्या जो है दो हो जाएगी ये बात याद रखिएगा नेक्स्ट आते देखिए नी श्वसन और निःश्वसन अक्सर कंफ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश वर्ड को याद रखिएगा इंस्पिरेशन दैट वी कॉल्ड इंस्पिरेशन अंदर जब लेते हैं तो ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है तो देखो ऊपर में सेवेंटी नाइन सेवेंटीन ट्वेंटी वन और फोर परसेंट याद रखेंगे सेवेंटी नाइन तो क्या है नाइट्रोजन है और जब हम एक्स एक्सपीरेशन जब छोड़ते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे लेते समय हम ऑक्सीजन जो है ट्वेंटी वन परसेंट लेते हैं और उसके बाद जो है चार परसेंट कम हो जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस केस में क्या होता अगर एक्सपिर पूछा जाता तो हम कितना लिखते सेवन लिखते सत्रह लेकिन इंस्पिरेशन अंदर लेते समय पूछा है तो ट्वेंटी वन परसेंट तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ये बातें याद रखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है आपके एस सी बुक में भी दिया हुआ ये उसके बाद देखिए ट्वेल्व नंबर अचानक शरीर से अचानक से शारीरिक कार्य अधिक होने पर मांसपेशियों में दर्द होने लगता है इसका कारण क्या है मैलिक एसिड सिट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड कोलेस्ट्रॉल कईयों बार आपके पी एस सी व्यापार में पूछ चुका है स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ चुका है डायरेक्ट पूछ चुका है तो अक्सर ये होता है कि जब हम तेज दौड़ते हैं अचानक क्रिकेट खेलने लगे दौड़ने लगे या अचानक कुछ भी एक्सरसाइज करने लगे जब इन जनरली आप बाकी दिनों में नहीं करते हैं तो तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में अचानक से क्या है आपके हाथ पैर दर्द होना चालू हो जाता है कुछ समय बाद या तो नेक्स्ट डे तो इसका कारण ये है कि उसमें जो है लाइक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पेशियों में और वहाँ पे लैक्टिक एसिड का थिकनिंग हो जाता है जमा हो जाता है तो इसका आंसर याद रखेंगे पेशियों में क्या है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है अनाक्सीन होता है और उसके कारण जो है लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण होता है जो पेशियों में जम जाता है और इसके बाद जो है उसमें दर्द होना महसूस चालू हो जाता है अब उसे दूर करने के लिए फाइनली आप आयोडेक्स या या मूव कुछ भी चीजें लगाते हैं ताकि वहां की चीजें रिलैक्स हो सके ये बातें याद रखेंगे ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे ऑक्सीसोसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है फिर से इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है तो याद रखिएगा रखियेगा यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना याद रखेंगे वाई भी, भी हम इसे कह सकते हैं तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम याद रखेंगे थर्टी सिक्स प्लस टू यानी कि 38 एट जो है पी क्या है ऊर्जा के पैकेट है तो यहाँ पे ए सर्वाधिक जो मिलती है थर्टी सिक्स प्लस टू यानी कि हम यहाँ पे 38 एट ए टी जो है इसका निर्माण होता है अक्सी श्वसन में अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है ऑप्शन समझात अंग है समरूप अंग है अवशेषी अंग है उपरोक्त सभी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है याद रखेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यानी क्रीमी रूपी परिसेसिका हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है आहार नाल में है और ये केवल और केवल अवशेष के रूप में मौजूद है इसका कोई काम नहीं है यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अवशेष के रूप में वेस्टिजियल ऑर्गन तो सी इज द राइट आंसर इसका सही सही आंसर है अब देखते हैं बाकी दो शब्द है ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है पहला है समझात या होमोलोगस ऑर्गन समझात वर्ड आ रहा है ना तो इसकी उत्पत्ति समान होती है ठीक है समान प्रकार की उत्पत्ति होती है जैसे हमारा जो दोनों हाथ है इसे कंपेयर करिए लाइक कह सकते हैं घोड़े के आगे वाले अग्रपात से या गाय के अग्रपात से या फिर फ्रॉग के मेंढक के अग्रपात से या जो ब, बर्ड है चिड़िया जो है उड़ते हैं उनके पंख से तो इनकी उत्पत्ति सबकी समान है लेकिन कोई उड़ने में मदद कर रहा है कोई आगे बढ़ने में मदद कर रहा है हम आप जो है इस हाथ का दूसरा प्रयोग कर रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति समान है कार्य भिन्न भिन्न है उसे हम क्या कहते हैं समजात अंग यानी होमोलोग लेकिन जब समरूप की बात होती है तो समरूप के केस में देखो ऊपर के केस में क्या था उत्पत्ति समान है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा उत्पत्ति भिन्न भिन्न होगा ओरिजिन डिफरेंट होगा लेकिन काम आपको लगेगा कि सिमिलर टाइप का है फॉर एग्जाम्पल एक आप बर्ड ले लीजिए चिड़िया ले लीजिए और उसको कंपेयर करिए किसी छोटे वाले कीट से दोनों ही उड़ते हैं छोटी चिड़िया भी उड़ती है और छोटी वाली जो है जो कीट या इंसेक्ट है ये भी उड़ता है तो इस केस में क्या है दोनों आपको लग रहा होगा कि समान प्रकार के समान उत्पत्ति हुई होगी आप सोच रहे होंगे लेकिन गलत है आप आप यहां पे याद रखेंगे इनका जो है उत्पत्ति जो है अलग अलग होगा भले काम जो है इनका समान टाइप का हो तो उस केस में क्या है एनोलॉगस या समरूप अंग है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपको कुछ और एग्जाम्पल बता देते हैं किसे चमगादड़ चमगादड़ का उड़ना ठीक है बर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो इसी का एग्जाम्पल है समरूप का एनोलॉगस का वैसे ही हम बात करते हैं कि जैसे कि आप अंगूर को कंपेयर कर दो किससे मान लो मटर का जैसे मटर में भी प्रतान या इस प्रकार के जो थोड़े नार नुमा संरचना आती है सिमिलरली आप देखते क्या है जैसे कि आप चना खाते हैं ठीक है तो उसमें भी उसी प्रकार के प्रतान बनते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो प्रतान बनते हैं दोनों का जो है सिमिलर टाइप के आपके फंक्शन देख रहे हैं लेकिन उनकी ओरिजिन जो है अलग अलग होती है अंगूर की बेल ले लें तो उसमें भी अंगूर की जो बेल या प्रतान होती है उसका भी ओरिजिन जो है अलग अलग होता है लेकिन आपको लगेगा सब एक ही टाइप के काम कर रहे हैं और काम समान होगा लेकिन ओरिजिन भिन्न भिन्न होगा याद रखेंगे ठीक है उसके बाद देखते हैं पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए आमाशाई रस में आमाशाई में क्या क्या निकलता है आपको पता होगा पेप्सिन एस निकलता है पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में क्या है कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा जो प्रोटीन के पाचन में क्या होगा रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है और यहाँ पे क्या होता है आपको एक और चीज दिखेगा प्रो रेनिन को रेनिन में बदल देता है जो फैट के डाइजेशन में मदद करता है यकृत जो है लीवर जूस है अगला ऑप्शन उसके बाद देखते हैं अग्नाशयी रस अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस उसके बाद क्या देखते हैं बड़ी आंत का रस तो बड़ी आंत से कोई रस निकलता ही नहीं है वो पाचन में उसका कोई काम नहीं होता याद रखेंगे छोटी आंत तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही डाइजेशन होता है बड़ी आंत केवल कुछ समय के लिए उसे होल्ड करके रखे रहता है फिर उसे आ, जो है बाहर एग्जिट करने में वो काम आता है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पैंक्रियाटिक जूस कैसा जूस है जिसमें कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा सभी प्रकार का यहाँ पे क्या होता है पाचन होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं पूर्ण पाचक रस कहते हैं इसके डिटेल्स अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब चैनल की प्ले में देखेंगे तो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के लेक्चर में इसे देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है पित्तरस का श्रावण किसे होता है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे हम पित्त को देखते हैं बाइल जूस की बात करते हैं तो देखिए पित्त तरस और पित्तासा हमको लगता है पित्तासा से इसका सीक्रेट होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर जो है यकृत से होता है यानी लीवर से सीक्रेट होता है जो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है इसी गाल ब्लेडर या पित्तासा में स्टोर हो जाता है तो ये याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए लीवर हो जाएगा और इसके पहले फिफ्टीन नंबर का क्या था सी था ठीक इस प्रकार याद रखेंगे ये चीजें क्लियर हो गई आप सभी को उसके बाद देखेंगे जो और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फिर सेवनटीन नंबर का क्वेश्चन कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम है अभी हमने पढ़ा पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन निकला तो से है ना उसके बाद देखो टाइलिन मुख से आपकी माउथ बक्कल कैविटी में होता है ये ठीक है जो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा डाइजेशन करता है अल्प मात्रा में उसके बाद ट्रिप्सिन और कायमोट्रिप्सिन ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाएंगे बेसिकली आपको काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन वगैरह जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जब हमने पढ़े तो छोटी आँख में जाके ये सब क्या है आपकी यकृत से आने वाला जो है जो पित्तरस जो वहाँ पे श्रावित होता है वहाँ से स्टोर होके कहाँ इकट्ठा हो जाएगा आपके गाल प्लेटर में वो आके इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा आपका जो है पेंक्रियाज भी वो क्या करेगा वहाँ से जो है डाइजेस्टिव जूस जो है वहाँ पे रिलीज करेगा तो याद रखेंगे यहाँ पे इसका आंसर जो है ये सभी के सभी क्या है आप देखते क्या है उपरोक्त सभी ऑल द दबअब इसका आंसर होगा याद रखेंगे सभी सभी क्या हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ठीक क्लियर हो गया उसके बाद देखते मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है यूरिया का फिल्ट्रेशन नहीं पूछा यूरिया का निर्माण पूछा है तो यूरिया का निर्माण फिल्ट्रेशन बोलते तो किडनी बोमन संपुट में फिल्ट्रेशन होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या देखिए यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं पूछा है तो यकृत में इसका निर्माण होता है छोटी आंत में नहीं होता पेंक्रियास में भी नहीं होता ठीक है मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि स्पीति भावनाओं का केंद्र होता है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेडल ऑफ लंगेटा हाइपोथेलेमस सेरेब्रम और सेरेब्रम मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आपके ब्रेन का जो वजन है 1400 हंड्रेड ग्राम या फिफ्टीन हंड्रेड ग्राम आप लिख सकते हैं और वो जो पंद्रह सौ या चौदह सौ ग्राम का जो ब्रेन है उसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है आपका सेरेब्रम और सेरेब्रम को याद रखना बहुत आसान है हम क्या जितना भी आप देखते हैं सुनते हैं स्मरण करते हैं ये जो चीज़ें दिख रही है ना आपकी किसी का सेरेब्रम ज़्यादा डेवलप है तो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप का व्यक्ति होगा और इसमें एक और चीज़ मैंने बताया था जितने भी रस हैं जितने भी भाव हैं जैसे प्रेम करुणा ठीक है यानी ममता लोभ मोह ये जितने प्रकार की जो भाव हैं मनोभाव हैं रस से याद रख लेना जितने प्रकार के रस हैं वो सब रस को इसी में इन्वॉल्व कर दो किसमें सेरेब्रम में वैसे देखते हैं आपको यहाँ पे दिखता है जो सैरेबेलम सेरेबेलम का क्या काम है मैंने बताया था कि आपको जो है आपका बॉडी का बैलेंस बनाना पेशियों के संकुचन शिथिलन में क्या करता है ये मदद करता है रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन में और मसल्स में हेल्प करता है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आप इसमें क्या था? आपको भूख लगी प्यास लगी आप थक गए और आप सो गए तो बस याद रखिए हो गया हाइपोथेलेमस का भूख लगना प्यास लगना थक जाना है ना या सो जाना है ना ये सब चीज़ें क्या आपके हाइपोथैलेमस से होता है हाइपोथेलेमस के दो भाग हैं आपको मतलब हाइपोथेलेमस एक्चुअल में डायन सेफलान नाम का एक भाग होता है जिसके दो भाग होते हैं थैलेमस और हाइपोथेलेमस हाइपो मतलब नीचे होता है तो हाइपोथेलेमस कह दिया गया इसे तो डायन के दो भाग होते हैं थैलेमस और हाइपोथेलेमस तो यहाँ पे हाइपोथेलेमस पूछा है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा जितने भी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पड़ते हैं आप जैसे कि आपका रेस्पिरेशन पाचन या आपका हार्ट बीट होना आपकी जो है लाइक वेसल्स में खून का बहना ये सब चीज़ें कहाँ से, से जो है कंट्रोल होती मेडुला अब्लांगेटा से कंट्रोल होती है है ना हार्ट बीट दिल का धड़कना ये सब मेडुला अब्लांगेटा तो इसमें कौन सा भाग इसे आंसर क्या होगा डी इज द राइट आंसर क्लियर हो गया सेरेब्रम उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेरुरजू का कौन सा भाग ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कई बार पूछ चुका है हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन है ना कौन से चीजों के लिए काम है इसका पूछा है सीधा सीधा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड पूछा जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन को आप आंख मूंद के आप टिक कर सकते हैं क्योंकि शरीर का ऐसा काम जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता उससे हम रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं तो यहाँ पे देखिए मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना प्रतिवर्ती क्रिया का नियमन करना स्मृति संबंधित और ए एन बी दो। तो यहाँ पे स्मृति संबंधित तो अभी हमने पढ़ा सरे ब्रह्म है तो ये तो ऑप्शन डी सी गलत ही हो गया अब आपके पास ए एन बी भी, भी है और ऊपर का भी देखो बी तो हमको मालूम है कन्फर्म मालूम है अब इस केस में क्या देखते हैं मस्तिष्क औसे और मेरुरजी से निकलने वाली कुछ तंत्रिकाएं होती हैं जिसे हम क्या कह रहे थे जैसे मस्तिष्क निकलता है उसे क्रेनियल नर्व्स कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं और अगर ये मेरुरज्जु से निकलता है तो उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं ठीक है ब्रेन एंड स्पाइनल सर्जन आप पढ़ते होंगे डॉक्टर्स के बारे में उसमें जो उनके पास लिखा होता है डिग्री में तो वो क्या है स्पाइन से निकलने वाले नर्व्स तो उन दोनों के जो है जो भी आपके स्टिमुली होते हैं या जो उद्दीपन होते हैं उसको ग्रहण करता है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक इस प्रकार याद रखेंगे रक्त समूह की खोज किसने की थी वीनर लुइस पासर विलियम हार्वे लैंड स्टीनर देखिये यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है लैंडस्टीनर साहब ने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी ए बी ए बी एन ओ या जीरो हम इसे कहते हैं तो ये याद रखना लैंड स्टीनर इसका सही आंसर है लेकिन वीनर और लैंड स्टीनर A और डी को आप मिक्स कर दो तो आर एच फैक्टर जो है इन दोनों ने क्या है रिसस मंगी में खोज किया था आर एच फैक्टर जो प्लस माइनस हो सकता है तो रीसस जो है ग्रुप की जो आर एच फैक्टर की ग्रुप की खोज किसने की थी पूछा जाए तो लैंड स्टीनर प्लस विनर केवल ब्लड ग्रुप का पूछा जाए तो लैंड स्टीनर तो इसका आंसर डी होगा अब देख लेते दो और नाम है लुइस पास और विलियम हार्वे पाश्चुरीकरण आप जानते हैं दूध का पाश्चुरीकरण दूध को अगर सेवेंटी डिग्री तक गर्म करते हैं धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उसमें क्या है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलमोस्ट मर जाते हैं तो वही इसके बाद जो है दूध पीने योग्य हो जाता है तो यहाँ पे लुइस साहब ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी ठीक है और विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का इन्होंने डिस्कवर किया था विलियम हार्वे याद रखेंगे एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन बाईस नंबर देखो यहाँ पे आरबीसी से, से प्लेट से उपरोक्त सभी से तो आपके जो है ब्लड में क्या क्या भाग होते हैं तीन भाग होते हैं आरबीसी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट तो यहां एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है अभी पूरा जमाना ही एंटीबॉडी पर फोकस हो गया है क्योंकि कोविड के कारण सब एंटीबॉडी पर ही सब डिस्कशन चलता है तो याद रखेंगे अगर आपको पूछा जाए तो लिंफोसाइट याद रख लेना जो डब्ल्यू का भाग है डब्ल्यू बी सी का भाग है लिंफोसाइट तो इससे क्या है ये एक्चुअल में क्या होता है एग्रेन्यूल होता है कणिका विहीन होता है ठीक है आप याद रखें कणिका युक्त याद रखेंगे तीन प्रकार की चीजें होती है देखो डब्ल्यू बी सी जो होता है डब्ल्यू बी सी को फिर से हम कैटेगराइज करते हैं तो बी ई e और एन से याद रखेंगे बेसोफिल्स इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये क्या होते हैं ग्रेनिलोसाइट है कणिका युक्त है लेकिन जब बात किया जाए ए ग्रेनुलोसाइट की बात किया जाए तो यहाँ पे बात आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट लिंफोसाइट से फिर टी सेल्स वगैरह निकलता है जो प्रतिरक्षा में मदद करता है तो हमने कहा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तो ये किसका भाग है ए ग्रेनुलोसाइट का भाग है यानी कि कणिका विहीन वाला भाग है जिसके दो भाग हमने बताया क्या क्या मोनोसाइट्स और लिंफोसाइड इसमें की टी सेल्स बनता है और यही प्रतिरक्षा में मदद करता है तो इसका आंसर क्या है बी इज द राइट आंसर प्लेटलेट इसका आंसर नहीं है वो तीसरा भाग है आपके खून में तीन भाग है आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट तो प्लेटलेट इसका आंसर नहीं है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ये बात है सभी क्लियर हुआ नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी अंत ग्रंथि याद रखेंगे क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे यकृत अग्नाशय पीयूष ग्रंथी और थायराइड तो देखो यहाँ पे यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पढ़ रखा है तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी गलत हो गया ठीक है उसके बाद हम क्या देखते हैं अग्नाशय हो गया अग्नाशय एक ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि याद रखना पीट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है खुद ही मटर के दाने के आकार का जीरो पॉइंट सिक्स ग्राम केवल होता है तो याद रखना ये यहाँ से बहुत सारे हार्मोन निकलता है आपका ग्रोथ हार्मोन से लेके एम एस एच ए सी टी एच वगैरह सब चीज़ें निकलती हैं तो ये क्या है इसका वजन के वाला जीरो पॉइंट सिक्स ग्राम होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक और थायराइड से थायराक्सी हार्मोन निकलता है आपको पता है यहाँ पे अग्नाशय से क्या क्या निकलता है याद रखिएगा अग्नाशय से निकलने वाले अक्सर पूछे जाते हैं अग्नाशय में होता है एक जगह जिसे हम कहते हैं आइस लेट्स ऑफ लैंगर हेंस लैंगरहेंस की दीपिका कहते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा या फिर डेल्टा भी हम कह देते हैं डेल्टा भी हम कह देते हैं ये चार तीन प्रकार के क्या होते हैं सेल्स पाए जाते हैं कोशिकाएँ एल्फा से निकलेगा आपका यहाँ पे ग्लूकेगॉन ग्लूकेगॉन निकलता है और बीटा से निकलता है आपका इंसुलिन जो रक्त में किसकी मात्रा को कंट्रोल करता है सरकरा या शुगर की और डेल्टा से निकलता है सोमैटो स्टेटिन निकलता है याद रखेंगे तीनों ये अग्नाशय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बहुत फेवरेट होता है ठीक है तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका सी आंसर है ऊपर का उसके बाद देखो ये पूछ ही दिया मानव शरीर में लंगेरेंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है ठीक है आमा ये तो, तो हमने यहां पे इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे रखा है ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हमने सीक्वेंस में ले लिया था तो ये बात है सभी को क्लियर हो गई आपको यहां पे अगर आपको पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा उस लेक्चर को सभी टाइप की ग्रोथ हार्मोन्स हमने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है ये दो शब्द बड़े परेशान करते हैं ट्यूबोक्टोमी और वैसेक्टोमी तो ट्यूबोक्टोमी जब आता है तो फेलोपियन टीप से दिमाग सीधा रिकॉल करना चाहिए वो जो होता है फीमेल में होता है तो ह्यूमन बॉडी में मेल में क्या होगा वेसेक्टोमी होता है ठीक है तो ऑप्शन बी सीधा सीधा सही आंसर है एम्यूसेंटेसिस क्या है एम्योसेंटेसिस जो है जब क्या होती है गर्भ में जो है मेल जो है मेल स्पर्म एंड द फीमेल ओ जो है एग का जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जायगोड़ बनता है तो यदि उसका आप लिंग परीक्षण करते हैं तो वो जो स्टिकली प्रोहिबिटेड है प्रतिबंधित है तो ये क्या है लिंग परीक्षण के दौर के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली शब्द है एमनियोसेंटेसिस जो स्टिकली प्रोहिबिटेड है बार बार मैं कह रहा हूँ जो पूर्णतः जो है वर्जित है प्रतिबंधित है तो लिंग परीक्षण से संबंधित चीजें जो है एम्नियो सिंटेसिस है याद रखेंगे ठीक है अक्सर ये चीजें आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका आंसर क्या है वेसेक्टोमी आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्न है देखिए यहाँ पे ट्यू ट्यूबर क्लोसिस के लिए के विरुद्ध कौन सा टीका लगाया जाता है टीबी के लिए कौन सा तो याद रखे ना मैं बताया था टी से आ रहा है तो बी वर्ड आना है, टी तो है ना माइको ट्यूबर से होता है तो बी शब्द से याद रख लेना बी सी जी तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या है बी सी जी एम डी टी किसमें लगाया जाता है लेप्रोसी में लगाया जाता है एमडीटी का जो है वैक्सीन जो है जो दवाई दिया जाता है लेप्रोसी लेप्रोसी जो है इसमें दिया जाता है लेप्रोसी में क्या एमडीटी डीपीटी डिप्थीरिया में भी दिया जाता है काली खांसी में भी दिया जाता है ठीक है वोविंग कप में भी दिया जाता है तो डीपीटी की दवाई क्या है डी से डिप्थीरिया याद रख लेना ठीक है और एक जो है वो पिंग कप भी आप याद रख लेना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टी के लिए बीसीजी सी इज द राइट आंसर कोविड नाइनटीन वायरस का क्या नाम है यह हाल फिलहाल भी अभी में पूछ चुका है यहाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल देखो क्या है? रेट्रो वायरस आज को टू एच वन एन वन और नन ऑफ दिस तो यहाँ पे क्या क्या देखेंगे रेट्रो वायरस क्या होता है जो पूरा हु बहू जो है हमारे बॉडी का जो डीएनए का पूरा रेप्लिका बना देता है पूरा हु बहु वैसे ही प्रकार का अपने आप वायरस बना लेगा उसे रेट्रो वायरस कहते हैं जो कैंसर के सेल वगैरह जो होते हैं सब रेट्रो वायरस कहलाते हैं आ, इवन आप एच वायरस को भी रेट्रो वायरस कह सकते हैं ठीक है तो सार्स कोव टू ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे सार्स कोव टू ये इसका ए जो है कोविड नाइनटीन का वायरस का नाम है उसके बाद देखिए एच वन एन वन आया हुआ है एच वन एन वन और एच फाइव एन वन में मैं आपको बताया था एक्सप्लेनेशन कौन सा बर्ड फ्लू है कौन सा सार्स का है ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे देखो सार्स फैमिली का ही एक क्या है लाइक जो है डिसीज क्या है आपका देखते हैं कोविड नाइनटीन वायरस कोरोना वायरस जो अभी सबको कोरोना हो रहा है वो सार्स फैमिली का ही एक वायरस है सार्स कोव टू ठीक है अब सार्स का कौन सा वायरस से होता है तो एच वन एन वन होता है और एच फाइव एन वन कैसे क्या होता है बर्ड फ्लू होता है जो ह्यूमन में नहीं होता बर्ड्स यानी कि चिड़िया वगैरह में होता है मुर्गा में होता है इस टाइप की चीजें तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है तो याद रखना चिड़िया ऊपर उड़ती है तो वन और फाइव में ऊपर कौन है तो five है तो तो से N1 से याद रखेंगे इसे मैंने बताया था वैक्सीनेशन या टीका का आविष्कार किसने किया था हु इन्वेंटेड द वैक्सीन बहुत फेमस आपको पता होगा दो चीजें हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आप ध्यान दीजिएगा वहां पे मैंने थोड़ा सा इसे अलग तरीके से बताने का प्रयास किया था उसे करेक्ट भी बाद में किया गया था याद रखेंगे दो प्रकार का होता एक होता है चिकन पॉक्स ठीक है चिकन पॉक्स एक कहते हैं और दूसरा होता है आप यहाँ पे देखते क्या है स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दो टाइप के यहाँ पे हम पॉक्स जब पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो है टीका से संबंधित है और यहाँ पे हम इस चीज को हम समझेंगे कि ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं तो स्मॉल पॉक्स को हम बड़ी माता कहते हैं बड़ी माता कहते हैं और मैंने आपको एक जो है घटना का संदर्भ भी दिया था कि जब 1970 के दशक के आसपास पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे क्योंकि इतनी मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर इतनी ज्यादा हो जाती थी वो बड़ी माता के कारण होता था चेचक के कारण होता था इसलिए 1976 में एडवर्ड जेनर साहब ने एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक का जो है टीका का आविष्कार किया था तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है घटना इससे रिलेट कर सकते हैं इसलिए मुझे इसका आंसर आपको तुरंत बताना ज्यादा जरूरी लगा इसलिए याद रखेंगे बड़ी माता स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का जो है जो टीका बनाने का जो आविष्कार सबसे पहले इन्होंने एडवर्ड जेनर साहब ने किया था तो इसका आंसर जो होगा बी होगा लुइस पास्टर ने पास्रीकरण की खोज की थी और टीबी का बैक्टीरिया का भी खोज इन्होंने ही किया था किसने लुइस पास साहब ने टीबी का बैक्टीरिया याद रखना है ना एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत कॉमन है आप याद रखे होंगे पेनिसिलिन का आविष्कार एंटीबायोटिक किन्होंने आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट है, है रॉबर्ट कोच है ना रॉबर्ट कोच जो है इनका भी योगदान था अब याद रखेंगे आगे तो यहाँ पे अगला जो इसमें रिलेटेड कंसेप्ट है जैसे कि यहाँ पे दो प्रकार के वायरस आता है वेरी सेला वेरी सेला वायरस और एक होता है वेरी ओला वेरी ओला तो यहाँ पे दोनों प्रकार के वायरस का नाम रिलेट करेंगे चिकन पॉक्स से वेरी सेला सी से याद रखेंगे तो चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता जो हो जाती है ना जो अभी भी कई लोगों को हो जाता है तो चिकन पॉक्स से संबंधित क्या है वेरीसेला है चिकन का सी से याद रखेंगे वेरी सेला वेरी ओला जो है बाद में बन जाएगा वो क्या है वो बड़ी माता है स्मॉल पॉक्स का है ठीक है यहां पे एक बात ये भी बताता है स्मॉल मतलब छोटा होता है लेकिन यहां पे जस्ट उल्टा है बड़ी माता इसे कहा जाता है ये बात है सभी क्लियर हो गई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर देखते क्या है कि इसमें सुमेलित करिए ये हमारा आज का सेशन का लास्ट स्लाइड है देखिए क्या क्या है सुमेलित है क्या है, है? कालाजार कालाजार किससे होता है हमने ये याद रखा था देखते हैं कालाजार होता है बेसिकली प्रोटोजोआ से ठीक है तो यहां पे तो बैक्टीरिया तो ये गलत हो गया काली खांसी वुफिंग कफ जो होता है बैक्टीरिया से होता है अभी हमने पढ़ा कि उसके लिए हमने टीका भी बताया था डीपीटी उसके बाद देखते क्या है यहां पे मलेरिया मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है तो यहां पे ये भी ऑप्शंस क्या है ये तो निमेटोड है तो ये गलत है निमेटोड बेसिकली क्या होता है राउंड वर्म गोल क्रीमी वगैरह को राउंड जो है निमेटोड वगैरह हम कह देते हैं अस्थमा जो है फंगस से होता है यस दिस इज द राइट आंसर ये जो है अस्थमा जो होता है फंगस से होता है आप याद रखें काला जार काला जो होता है बेसिकली प्रोटोजोआ से होता है कालाजार जो होता है प्रोटोजोआ से यस ये प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है काली खांसी जो होता है बैक्टीरिया से होता है ठीक है याद रखेंगे और यहां पर कालाजार काली खांसी को एक साथ देता है तो आपको याद रखना है काला जार जो है उससे संबंधित जो है आपका से संबंधित चीजें याद रखना है तो सोपा पे काम वाला ट्रिक याद रखेंगे है ना सोपा पे काम यहाँ पे याद रखेंगे तो सोने वाली बीमारी स्लीपिंग सिकनेस सो सो आ रहा है पास पायरिया ठीक है यहां से वर्ड आ रहा है फिर काम और आ रहा है तो यहाँ पे क्या हम देख देखते हैं क्या है आपका संबंधित क्या है कहां से है तो कहां से क्या है आपका काला जार है और काली खांसी है तो आपको याद रखना काला जार यहां पे इसका सही आंसर है ठीक है याद रखना और उसके बाद माँ से यह मलेरिया भी यहां पे दिया हुआ है ठीक है ट्रिक बेस का सेशन आप देख भी सकते हैं यह बात है सभी क्लियर हो गई अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्टी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए फिर से करेक्टली मैं पूछा है हैजा इनके जो है बैक्टीरिया वायरस का नाम पूछा है हैजा टाइफी टाइफाइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोकलोसिस तपेदिक विब्रियो कॉलेरा खसरा मॉर्बिली वायरस कौन सा करेक्टली मैच है पूछा है तो आपको पता होगा हैजा या कॉलेरा किससे होता है ये होता है विब्रियो कॉलेरा से होता है तो पहला तो गलत मैच है टाइफाइड जो है सालमोनिला टाइफी या टाइफोसा हम कह सकते हैं तो यहाँ पे इसको यहाँ से रिलेट करना होगा ठीक है और आपका यहाँ इस प्रकार सेकेंड वाला ऑप्शन भी क्या है गलत हो गया तपेदिक या टाइफाइड जिसे हम कह सकते हैं वो है आप देख रहे हैं यहाँ पे तपेदिक क्या है या टीबी सॉरी कहते हैं तपेदिक या टीबी इसे कहते हैं ये क्या है यहां पे आ रहा आ रहा है देखिए माइक्रोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस ये आपका ऑप्शन होना चाहिए और उसके बाद क्या देखते हैं आपका खसरा खसरा मॉर्बिली वायरस यस डी इज द राइट आंसर डी इसका सही जो है मैच्ड है तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ठीक है तो इन सभी सेशंस uh, को आप जरूर कवर करते रहिए आने वाले समय में हम कुछ और सेशंस भी कवर करेंगे तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए सब्जेक्ट के साथ थैंक यू सो मच